हेलो गाइस, होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोड डी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के कोड अलग अलग हो सकते हैं, तो हम लोग यहां पर कोड डी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें ये बोल रहा है कि तीन कंसेंट्रिक स्फीयर दिए हुए हैं ए बी एंड सी। तीन कंसेंट्रिक स्फीयर हैं ए, सेकेंड वन इज बी एंड द थर्ड वन इज सी। हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है स्फीयर डी का। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है ए लेस देन बी लेस देन सी, इसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है बी का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑफ बी जो हो जाएगा के क्यू, पहले तो हम लोग बी के लिए लिख रहे, तो ए इंटरनल पॉइंट हो गया, तो के क्यू ए अपॉन बी प्लस, फिर बी के लिए लिखेंगे तो के क्यू बी अपॉन बी प्लस, फिर सी की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे तो के क्यू सी अपॉन सी। तो अब यहाँ से हम लोग के बाई के अपॉन क्यू ए, क्यू ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू क्यू ए, हो जाएगा सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर अपॉन बी, सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, तो माइनस सिग्मा इंटू फोर पाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सिग्मा इंटू फोर पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ से जो पोटेंशियल बी की हो जाएगी वो हो जाएगी के, सिग्मा कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, फोर पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, के की वैल्यू हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में टोटल सात डिस्क दिए हुए हैं, सबके मास एम है और रेडियस आर है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट दी पॉइंट पी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग लिखेंगे वन का, तो वन का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दिया। अब ये वाला जो है, ये जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अपने एक्सिस के अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। बट हमें इन सातों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पॉइंट के अबाउट लिखना है जो कि सेंटर ऑफ मास है। इन पूरे सातों अरेंजमेंट का ये सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम डिस्क टू का बात करेंगे और इस डिस्क टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक में हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना होगा यहाँ पे। तो अगर हम 2 का लिखते हैं तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, एम इंटू टू आर होल स्क्वायर। तो पैरल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, 2 का इसके अबाउट निकल जाएगा। ऐसा ऐसा कितना डिस्क है, 1, 2, 3, 4, 5 और है, मीन्स टोटल ये 6 डिस्क है। मीन्स इसे हम इंटू 6 कर देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 6 डिस्क है उसका इसके अबाउट निकल जाएगा। और ऑलरेडी इसका कितना था इसके अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो जो टोटल 7 डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम इंटू फोर आर स्क्वायर इंटू सिक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख लेंगे। ना हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट था वो आ गया 55 mR² / 2। अब इसे हम P पॉइंट के अबाउट शिफ्ट कर देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो हमारा I अबाउट P हो जाएगा 55 mR² / 2 प्लस मास टोटल कितना सिस्टम का, 7m इंटू 3R² जो आएगा 181/2 इंटू mR² ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डिस्क दिया हुआ है एंड इस डिस्क का रेडियस आर है, मास है 9 m। हमने यहाँ पर एक ऐसा छोटा सा डिस्क यहाँ से उठा करके बाहर निकाल दिया और इसकी रेडियस थी r/3, मीन्स इसके सेंटर और इसके सेंटर में जो डिस्टेंस होगा वो 2r/3। सपोज इस पूरे डिस्क का मास अगर 9 m है, तो देखो अगर हम लोग बात करें πr² के लिए कितना मास है, 9 m, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 9m/πr², तो फिर πr² / 9 के लिए जो मास हो जाएगा 9m/πr² × πr² / 9, दैट इज इक्वल टू m। मीन्स ये जो स्मॉल डिस्क होगा उसका मास हो जाएगा m, ठीक है, और ये जो रिमेनिंग डिस्क होगा, ये जो रिमेनिंग डिस्क होगा इसका मास हो जाएगा 8। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे डिस्क से एक छोटा डिस्क r/3 निकाल देना है, तो जो रिमेनिंग डिस्क होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इसके सेंटर के अबाउट, विच इज अ परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे, ठीक है। तो देखो अगर हम इस छोटा डिस्क को बोल दे दिस इज डिस्क 1 एंड द रिमेनिंग डिस्क ये डिस्क 2, तो अगर हम पूरे डिस्क का टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते अगर, तो क्या लिखते, m r² / 2 लिखते। ये समीशन होता किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका किसका, डिस्क 1 का प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क 2 का, इन दोनों का ये समीशन होता है यहाँ पे। तो 9mr² / 2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 1, ठीक है। इस डिस्क 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो इसके अबाउट कितना लिखेंगे, m(r²/2) प्लस शिफ्ट कर देंगे इसे कितना डिस्टेंस, तो m(2r/3)² इतना डिस्टेंस हम इसे शिफ्ट कर देंगे प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी रिमेनिंग डिस्क, ठीक है। तो यहाँ से जो रिमेनिंग डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी वो हो जाएगी 9mr² / 2 माइनस mr² / 18 माइनस m4mr² / 9। तो इससे हम लोग जो फाइनल आंसर लेकर के आएंगे वो कितना आएगा, रिमेनिंग डिस्क इज इक्वल टू 72mr² / 18 मीन्स 4mr², ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें एक सिलिकॉन डायड है और सिलिकॉन डायड में ये फॉरवर्ड बायस एक पीएन जंक्शन, यहाँ पर 200 ओम का रेजिस्टर दिया हुआ है और ये 3 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो हमें यहाँ पर इस एमीटर का रीडिंग बताना है, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो जो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर होगा, उस पोटेंशियल बैरियर होगा, वो पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो कितना होगा, 0.7 वोल्ट। ये सिलिकॉन डायड के लिए हमें पता है कि पोटेंशियल बैरियर जो होगा वो 0.7 वोल्ट होगा, मतलब कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 2.3 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 0.7 होगा और दोनों मिलकर के 3 वोल्ट पोटेंशियल देगा। तो जो रीडिंग होगा एमीटर का वो कितना होगा, तो रीडिंग ऑफ द एमीटर इज पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2.323 डिवाइडेड बाय 2000 0.0115, that is equal to 11.5 milliampere. This is our final answer. Next question. Question number 35 में ये दिया हुआ है कि एक polarizer, ideal polarizer A है. इससे अगर हम लोग unpolarized light I को pass कराते हैं, तो जो I है उसका intensity क्या हो जाएगा? I/2. फिर हम इसे सेम आइडेंटिकल पोलराइजर बी से पास कराएंगे और इसके बाद भी इसका इंटेंसिटी चेंज नहीं हुआ और I/2 ही रहा, मीन्स
जैसे कि अगर ये ए से बी में जाता है और इसका इंटेंसिटी आई बाई टू था और आई बाई टू ही रहेगा, मीन्स इन दोनों के जो एक्सिस होंगे, इन दोनों के जो एक्सिस होंगे वो पैरेलल होंगे। अगर सपोज हम इन दोनों के बीच में एक थर्ड पोलराइजर सी रख देते हैं, अगर एक थर्ड पोलराइजर आइडेंटिकल पोलराइजर सी रख देते हैं, तो एक्सिस जो होगा उसका एंगल बताना है बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के एक्सिस के बीच का एंगल हमें बताना होगा। अब जो होगा यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा बियॉन्ड सी वो कितना हो जाएगा, आई बाई एट। तो सपोज देखो ये आई यहाँ से यहाँ आया और आई बाई टू किस में गया, सी में, पर ए और सी के बीच का एंगल जो होगा वो थीटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I by 2 cos स्क्वायर थीटा जो C से बाहर निकलेगा। तो A और C के बीच का एंगल अगर थीटा है तो C और B के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा, बिकॉज A और B के बीच का एंगल क्या था, सेम था। तो यहाँ पर जो I by 2 इसमें जाएगा वो यहाँ से क्या निकलेगा, I by 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि A और C के बीच का एंगल कितना है, थीटा। नाउ जो C से निकलेगा वो B में जाएगा, तो इसके C और B के बीच का एंगल भी थीटा था, मीन्स इसका I बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो कितना बन के निकलेगा, I बाई एट। तो यहाँ से 2 4 कैंसिल हो गया, I I कैंसिल हो गया, कॉस 4 थीटा कितना होगा, 1 बाई 4, मीन्स कॉस थीटा यहाँ से आ गया 1 बाई रूट 2, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया वो 1 बाय रूट अंडर एल सी है, वीएम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। तो हमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, एक्स एल बाय आर, एंड एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर, फॉर रेजोनेंस दिस इज ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट एल बाय आर यहाँ पे फाइनल पूछ रहा है कि सपोज ये एक ब्लॉक है M1 जिसका मास दिया हुआ है 5 kg, ये ब्लॉक M2 जिसका मास दिया हुआ है 15 kg, इसके ऊपर एक मिनिमम कितना मास का ब्लॉक रखेंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है, मोशन यहाँ पे ना हो। तो देखो सबसे पहले इधर टेंशन लगेगा, इधर M1G लगेगा, इधर भी वही टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग सेम है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1G, और यहाँ पर T इक्वल टू क्या लिखेंगे, F, ठीक है। तो ये जो F होगा इसको कौन इफेक्ट करेगा, इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन, मीन्स यहाँ पर F जो होगा μN की जगह क्या लिखेंगे, M2 प्लस M इंटू जी, और T पहले से क्या था, M1G इक्वल्स टू μM2 प्लस M इंटू जी, जी यहाँ से कैंसिल होगा, M1 है 5 इक्वल्स टू 0.15 इंटू M2 है 10 प्लस M। तो यहाँ से M अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 23 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 27 पॉइंट समथिंग जो ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज हमें मिनिमम मास के बारे में पूछा गया था, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा पार्टिकल जो वो रेस्ट पे है। तो अभी यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा ये हाफ m वी नॉट स्क्वायर होगा, जब कॉलिजन हो जाता है तो इस मास m का वेलोसिटी सपोज v1 हो गया और इस m का वेलोसिटी सपोज v2 हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है इस 50% ग्रेटर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स हाफ एम वी नॉट स्क्वायर में 50% और ऐड कर देना है, मीन्स 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर ऐड कर देना, मीन्स टोटल हो जाएगा 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर इसका प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर इस पार्टिकल का। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें आएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 v0 स्क्वायर, ये एक इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम mv0 और फाइनल मोमेंटम mv1 प्लस mv2, तो यहाँ से v0 इक्वल टू आ गया v1 प्लस v2। तो दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर जो
रिलेटिव वेलोसिटी होगी, मीन्स वी टू माइनस वी वन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर इसको स्क्वायर कर दे तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री बाई टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्री बाई टू वी नॉट स्क्वायर रख देंगे, टू वी वन वी टू इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, मीन्स यहाँ से टू वी वन वी टू जो आएगा वो माइनस वन बाई टू वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो वी टू माइनस वी वन कैलकुलेट करना था, वी टू माइनस वी वन कैलकुलेट करना था, तो इस वी टू माइनस वी वन को कैलकुलेट करने के लिए वी टू माइनस वी वन को मान लो हमने के मान लिया और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देन वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू इक्वल टू के स्क्वायर। अब देखो वी वन प्लस वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, थ्री बाई टू वी नॉट स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू, तो माइनस टू वी वन वी टू कितना हो जाएगा, प्लस वन बाई टू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू फोर दैट इज टू वी नॉट स्क्वायर, मीन्स के इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट। ये जो वी टू माइनस वी वन है क्या है, के मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी इज रूट टू वी नॉट, दैट इज आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसका रेडियस आर है और जो सेंट्रल फोर्स है हमेशा जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स पावर ऑफ एन, मीन्स रेडियस आर के पावर एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज अगर हम यहाँ पर एफ का बात करेंगे तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स होगा एंड दिस इज बैलेंस्ड बाई एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर टू द पावर एन, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर, ये नीचे आ जाएगा आर प्लस एम आर एन प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पाई बाई टी, टू पाई इज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, मीन्स वन बाई टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन प्लस वन, मीन्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर एन प्लस वन, मीन्स टी इज प्रोपोर्शनल टू द आर एन प्लस वन बाई टू। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, मीन्स आवर फाइनल आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें दो बैटरी 12 वोल्ट 13 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम और ये दोनों एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्टेड है, तो हमें यहाँ पर जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका वैल्यू निकालना है, उसका रेंज निकालना है, कितना में लाइफ वो कर सकते हैं। तो सपोज अगर हमने बात किया कि इस बैटरी से करंट आया आई वन, इस बैटरी से करंट आया आई टू, तो दोनों मिलकर के इसमें कितना जाएगा आई वन प्लस I2 और वापस से फिर इधर I2 चला जाएगा और वापस से फिर इधर I1 चला जाएगा, क्योंकि जिस बैटरी को जितना करंट निकलेगा उतना वापस से चाहिए। तो अगर हम मान लो बोल दें इस पॉइंट का पोटेंशियल, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल है y, देन दिस इज एंड दिस वन इज ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो होगा, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, ये भी ज़ीरो होगा और ये भी वाई होगा और ये भी वाई होगा, बिकॉज ये सारा एक ही कॉमन पोटेंशियल पे लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर किरचॉफ्स लॉ लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो देखो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है, अगर शुरू किया वाई, ये इसके प्लस से माइनस जा रहे, मीन्स माइनस 12, और ये करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, मीन्स प्लस वो आई वन इंटू वन, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पहुँच गए। तो ये फर्स्ट पाथ के लिए हो गया। सेकेंड पाथ के लिए अगर लिखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे y, प्लस से माइनस जा रहे हैं, मीन्स माइनस 13 ऑपोजिट में जा रहे हैं, मीन्स प्लस 2 इंटू आई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर थर्ड के लिए लिखेंगे हम लोग तो थर्ड के लिए क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा y, ये करेंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स माइनस 10 इंटू आई वन प्लस आई टू इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये होगा कि I1 प्लस I2 का वैल्यू निकाल करके हम इसमें पुट कर देंगे, तो जो y है वो अननोन था, वो हमें निकालना था, वो हमारा आ जाएगा। तो सपोज ये 2y माइनस 24 हो जाएगा प्लस 2i1 इक्वल टू ज़ीरो हो गया, और ये y माइनस 13 प्लस 2i2 इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 37 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे,
I1 plus I2 equal to 0, तो यहाँ से हमारा I1 plus I2 जो आएगा वो आ जाएगा 37 minus 3y divided by 2. तो इसे इस equation में put कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या किया, इस equation को 2 से multiply कर दिया, और 2 से multiply करने के बाद इन दोनों equation को add करके यहाँ से I1 plus I2 की जो value थी वो calculate कर ली और उसे इस equation में put कर दी, और जो y थी वो हमें निकालनी थी, that is 37 into 5 by 16 आएगा यहाँ से. तो 37 into 5 by 16 that is equal to nearly 11.5625. तो हमारा जो value आया वो कितना 11.5625, which lies in between the options of 3. Third option is our correct option.